श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि पारद की जो शिवलिंग होती है उसकी स्थापना कैसे करनी चाहिए और उसमें क्या एहतियात बरतना चाहिए। शास्त्रों में पारद शिवलिंग और उसके साथ रखे जाने वाले दक्षिणा मूर्ति शंख की बहुत ही उच्च महिमा बताई गई है। आप भी इसे अपने घर में स्थापित करके घर में समस्त दोषों से मुक्त हो सकते हैं। आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है और ये है कि शिव परिवार का पूजन बहुत अनिवार्य होता है। इसमें मतलब जैसे आप शिवलिंग की पूजा पारद शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे माँ गौरी और गणपति जी की जो मूर्ति है जरूर होनी चाहिए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।